17A का पांचवां स्टेल्थ फेरीगेट जो है वो बॉम्बई में लॉन्च कर दिया गया है। एक और जंगी जहाज एक्चुअली आप देखें इंडिया के सर पे जो है वो जंगी जुनून सवार है। आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई। ये कहते हैं कि हमने मुहाजरीन को रखा हुआ है, रिफ्यूजीज को रखा हुआ है, यहाँ पे वो हुए किसकी वजह से मुहाजर, वो किसकी वजह से रिफ्यूजीज हुए? कि 1947 में हुआ ये था कि उन्होंने रशिया के साथ मिलकर एक संती इंकलाब लेकर आए थे भारत। आपने 1947 से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे आए, आप इंपोर्टेड चीजों का शौक हुआ आपको। तो दोस्तों आप सब जानते हो इस वक्त पाकिस्तान में हिस्ट्री का सबसे वॉश फ्लड आया हुआ है, जहां आधा से ज्यादा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। तो अब इस आपातकालीन अवसर पर हिंदुओं के मंदिर बाबा मधुदास मंदिर, जो बलूचिस्तान के जलाल खान विलेज में सिचुएटेड है, अब ये मंदिर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी हेल्प कर रही है, जहाँ ये मंदिर 200 से 300 लोगों को खाना पीना दे रही है और साथ में शेल्टर भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस न्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया और उनका कहना है कि हिंदुओं से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और कुछ दिन पहले ही इस गांव में रह रहे हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें कैंप भी नहीं प्रोवाइड किया गया। उनका कहना था कि हिंदुओं को कोई भी सहूलत नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। 17A का पांचवां स्टेल्थ फेरीगेट जो है वो बॉम्बई में लॉन्च कर दिया गया है। एक और जंगी जहाज भारत की जानिब से लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जो है वो तारागिरी रखा गया है। क्या कहेंगे, आए दिन इंडिया की तरफ से हमें कोई ना कोई इस तरह की चीज लॉन्च होती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली आप देखें इंडिया के सर पे जो है वो जंगी जुनून सवार है। अच्छा। अगर हम इसको 2019 से चेक करें, जो कि इन्होंने कश्मीर में किया है, उसके बाद वो चाहता है कि पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान के टुकड़े हों, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट किया जाए। अच्छा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इंडिया का जो पूरा फोकस है वो सारा जंगी हथियारों की तरफ है, जहाज़ों की तरफ है, और हमारे कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, सियासी जमातें, जो कि करंट सिचुएशन चल रही है। इंडिया चाहता है कि वो हमें सोशली भी पीछे करे, हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े करवाए, और उसके अलावा इंडिया की ख्वाहिश ये है कि हम पॉलिटिकल आपस में लड़ते हैं, सियासी पार्टीज। इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? हम तो ऑलरेडी इंडिया के साथ किसी भी चीज़ में हमारा कंपटीशन बनता ही नहीं है, ऑलरेडी हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। जैसा कि आपने कहा कि इंडिया हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है, तो हमारे सियासतदान तो ऑलरेडी खुद ही आपस में लड़ के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने मुल्क को खुद ही तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक्चुअली इसमें इंडिया के ही ये मोरे हैं। आप देखें, चेक करें, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि पिछले 35 इयर्स के साथ गवर्नमेंट करते हुए आ रहे हैं, इन सब का एक एजेंडा नहीं है। अगर आप इंडिया में चेक करते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उनका एक एजेंडा है, वो अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। अगर आप रिसेंटली इनका एक फॉरेन मिनिस्टर जो कि यूरोप के टूर पर गए थे, वहाँ पर उनसे सवाल हुआ कि आप अपना रशिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल क्यों नहीं करते, वहाँ उन्होंने सिंपल सी एक बात की है कि यूरोप अपना गैस का जो प्रोजेक्ट है वो रशिया के साथ कैंसिल करेगा तो हम भी कैंसिल कर देंगे। उनका मुफाद अपनी आवाम है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका मुफाद आवाम नहीं है, इनके अपने ज़ाती मुफाद हैं। इनका अगर आप चेक करें, हमारी कौन सी पार्टी है जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हों और वो हुकूमत भी पाकिस्तान में कर रहे हों? आपकी यह हुकूमत करते हैं पाकिस्तान में, जैसे गवर्नमेंट जाती है ये बाहर भाग जाते हैं। देखिए जी, पाकिस्तानी जो है ना, मैं एज़ अ पाकिस्तानी खड़ा हूँ, बात बंदा सीधी करे, हकी करे, पाकिस्तानियों ने हमेशा अफगानियों को ना, मेरे हिसाब से ना, अपने से कमतर समझा है। अब आप अपनी अपनी सियासत देख लें, तारीख देख लें, जब कभी हमें अपना मफाद नज़र आया है, पहले अब देख लें जब रूस आया था। बात काट रहा हूँ मैं आपको, एक चीज़ इधर ऐड कर दूँ, इन्होंने कहा पाकिस्तान ने अफगानियों को, पाकिस्तानियों ने अफगानियों को हमेशा अपने से कम समझा, उसकी एग्जांपल थोड़ी सी ये है। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि 100% पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक किया जाता है। उसकी एग्जाम्पल ये, अभी मैच जब हार रहे थे अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान से, तो वीडियोज़ ऐसे चल रही थी, ओ ये मूँगफली बेचने वाले, ये छली बेचने वाले, ये भुट्टा बेचने वाले, तंदूर वाले जो लोग हैं वो हमारे से मैच जीतेंगे। हालांकि बड़ी एक हैरत वाली और जाहलाना बात है ये। हाँ जी, और उनको हमेशा हम बेवकूफ़
बेवकूफ़ के तौर पर समझते हैं कि जब भी कोई बेवकूफ़ाना बात हो उसको पठानों पर डाल दो, लतीफ़े देख लें। हाँ जी, और दूसरी बात यह है कि जब कभी पाकिस्तान को जहाँ पे अपना मफाद नज़र आया ना, चाहे वो जब रशिया आया तो अमेरिका के साथ मिलके अफ़गानिस्तान में खामखा की टांग अड़ाई है उसने, अगर टांग नहीं अड़ाई तो अमेरिका को मौका दिया है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स करे, जो कि हमारा बनता नहीं है। ये बात हमारे हुक्मरान इमरान खान साहब की बात करें, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने बिला वजह अफगानिस्तान के जो मामला हैं उसके अंदर इंटरफेयर किया है। बिल्कुल, हमने इंटरफेयर किया और हमारे इस वजह से अफगानियों ने बहुत नुकसान उठाया, और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे भी तो मरे हैं। देखिए, वो कोलेटरल डैमेज है, जब आप इस तरह के मामले में टांग अड़ाएंगे तो जहरी बात है कोई नुकसान आपको भी होगा, और फिर हम कहते हैं कि हमने उनके महाजरीन को रखा हुआ है। भाई, वो महाजिर हुए कि आपकी वजह से हैं, आप अगर ऐसी हरकतें ना करते, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती, आप उनको एक नेबर मुसलमान, मुसलमान तो चलो हम कहें, और इंसानियत की बात कर लें। हाँ, जब आप उनको उनके ऊपर जुल्म के ऊपर जो उन पर जुल्म हो रहा है, अगर आप वो आपके जरिए हो रहा है तो उनके लिए, उनको दिल में आपके लिए नफरत होगी ना, तो डेफिनेटली आएगी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा कि आप ये कहते हैं कि हमने महाजरीन को रखा हुआ है, रिफ्यूजीज़ को रखा हुआ है यहाँ पे, वो हुए किसकी वजह से महाजर, वो किसकी वजह से रिफ्यूजीज़ हुए, ये एक पॉइंट है। इसका आंसर अगर किसी के पास है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप बात। लेकिन सर, साथ साथ जैसे मैंने कहा कि OIC की जो कंट्रीज हैं, जिन्हें ये बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है और कहा जाता है जी हमारे साथ जो मजहब की बेस पे खड़े हुए, लेकिन वो हमारे बजाय मुझे तो लगता है भारत के साथ ज्यादा खड़े हुए हैं, और चाहे उनकी फॉरन पॉलिसी कह लीजिए भारत की या कोई भी बात कह लीजिए ऐसा, क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना भारत की गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम, तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों वो आगे कैसे आबादी श्रिंक हो रही है, इंडिया की आबादी बढ़ रही है, आप आने वाले दिनों में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी दुनिया में जहां आपको भारतीय सिटीजन नजर ना आए, ये जाएंगे। फिर उनके इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तालीमी उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और आखिरी बात मैं यह अर्ज करूंगा इस रेफरेंस से आरजू, कि 1947 में हुआ यह था कि उन्होंने रशिया के साथ मिलकर एक संती इनकलाब लेकर आए थे भारत के अंदर, उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, गाड़ियां अपनी, रेफ्रिजरेटर अपने, हर चीज अपनी, ट्रक अपने, हर चीज, उसका फायदा आज उनको नजर आ रहा है। आपने 1947 से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे आए, आप इंपोर्टेड चीजों का शौक हुआ आपको, और अब आपने हर चीज ही आउटसोर्स कर दी है, सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आप बाहर के आपकी इंपोर्टेड होती है, और आपने तरक्की भी की है, पाकिस्तान में नहीं की, दुबई और यूरोप में की है, बहुत तरक्की की, पाकिस्तानियों ने लूट मार की, बहुत जायदादें बनाई। लेकिन सर एक चीज और भी है, हमने शायद जो हमारे असल हीरोज हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज हूद भाई हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल सलाम हो, या कोई भी हो, कावस जी, आदर्श कावस जी हो, जो हमारे मेन मतलब कहना चाहिए जिन्हें हमें हीरो मानना चाहिए था, हमने उन्हें भी नहीं माना, हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना है जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों का। नहीं, एग्जैक्टली, उसमें जिनको आप हीरो अपना मानते हैं वो पाकिस्तानी ही नहीं, वो लुटेरे थे भाई, वो लूटने आए थे, और बजोरे तलवार आपको, हालांकि कन्वर्जन, मैंने आपको कई दफा कहा, कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं होती किसी मजहब में, उन्होंने आप पे टैक्स लगा लगा के आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया आप, और वो लुटेरे थे, लूट के हर चीज काबुल ले जाते थे, यहां से औरतें ले जाते थे, वहां औरतों के बाजार लगते थे काबुल, आप उनको अपना हीरो मानती हैं, जंगजू उनको आप कहते हैं, यही तो अलमिया है। मैंने आपको अर्ज की थी आरजू, मुझे अमेरिका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं, वो फॉरेन इन्वेडर मैं मानता हूं। मुझे ये बताएं, कसरते मैनोशी, शराब की ज्यादती की वजह से कई सबकी ज्यादती हुई, 300-300 औरतें उनके हरम के अंदर होती थी, इस्लामिक ये आपका टच है, ये इस्लाम बता रहे हैं आप, शराब पी हैं आप, 300-300 औरतें रखे हैं आप बगैर निकाह के, वो आपके हीरो हैं, वो आप किन हीरो की बात कर रहे हैं।